कक्षा 5 एवं 8 का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है, जो कि इस बार राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा ऑनलाइन घोषित किया गया। अब परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के उपरांत शिक्षक साथियों के कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आ रहे थे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न था कक्षा उन्नति को लेकर। चूंकि आपने रिजल्ट में देखा होगा कि कुछ छात्र परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण भी हुए हैं, कुछ एक विषयों में, कुछ दो विषयों में, और कुछ ऐसे छात्र हैं जो सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। और DPI का वर्तमान में एक आदेश आया है जिसमें हमें अपनी शाला के छात्रों की कक्षा उन्नति करना है और छात्रों की मैपिंग करना है। तो शिक्षक साथियों का जो प्रश्न था कि जो छात्र कक्षा 5 और 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, ऐसे छात्रों को कक्षा उन्नति देना है या नहीं देना है। दूसरा जो प्रश्न शिक्षक साथियों का आ रहा था कि कुछ ऐसे छात्र हैं जो एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, वो भी बहुत ही कम अंकों से, तो क्या इन छात्रों की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं इनकी पुनर्गणना कराई जा सकती है। और तीसरा जो प्रश्न था शिक्षक साथियों का कि ऐसे छात्र जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हैं मात्र 2 या 3 नंबरों से, तो क्या ऐसे छात्रों को कृपांक मिल सकता है, जो ग्रेस है क्या वो मिल सकता है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब। इसमें पहला सवाल कि छात्रों को, जो छात्र अनुत्तीर्ण हैं, ऐसे छात्रों को कक्षा उन्नति प्रदान करें या ना करें। तो इस संबंध में RSK के द्वारा 17 मार्च 2022 को मूल्यांकन के संबंध में एक निर्देशिका प्रदान की गई थी, जिसमें बताया गया था कि यदि कोई छात्र एक भी विषय में अनुत्तीर्ण होता है तब ऐसे छात्रों को कक्षा उन्नति प्रदान नहीं करना है। ऐसे छात्रों को जो अनुत्तीर्ण का विषय है उस विषय में अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी और इसके उपरांत छात्रों की पुनः परीक्षाएं ली जाएगी, और परीक्षा लेने के उपरांत यदि छात्र उत्तीर्ण होता है तब छात्र को कक्षा उन्नति प्रदान की जाएगी, और यदि छात्र उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तब छात्र उसी कक्षा में अध्ययनरत रहेगा, छात्र को कक्षा उन्नति प्रदान नहीं की जाएगी। साथ ही इसमें एक बात बताई गई थी कि जो छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं ऐसे छात्रों को शाला से किसी भी प्रकार से निष्कासित नहीं किया जाएगा। अब इसमें दूसरा प्रश्न कि जिन छात्रों के बहुत कम मार्क्स से जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं क्या इनकी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्गणना कराई जा सकती है। तो जो निर्देशिका जारी हुई थी 17 मार्च 2022 को, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इस बार पुनर्गणना का किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं रहेगा, छात्र की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं इनकी रीटोटलिंग नहीं की जाएगी। हाँ, एक प्रावधान जरूर है कि छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन जरूर कर सकता है, और छात्र को इसके लिए एक आवेदन देना होगा संकुल प्रचार को। इसके उपरांत छात्र अपनी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं इनका अवलोकन कर सकता है। अब तीसरा प्रश्न कि छात्र जो एक या दो अंकों से किसी एक विषय में या दो विषय में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं तब क्या इन्हें कृपांक प्राप्त होगा। तो इसमें बताना चाहेंगे कि इस सत्र में कृपांक का भी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ऑनलाइन घोषित किया गया, और यदि कृपांक का प्रावधान रहता, यदि कोई छात्र एक विषय में 2 या 3 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहा है और कृपांक का यदि प्रावधान रहता तब छात्र को कृपांक प्रदान कर दिया जाता ऑनलाइन, लेकिन ऐसे छात्रों को, किसी भी छात्रों को कृपांक नहीं दिया गया है और छात्र को सीधे फेल किया गया है या पास किया गया है। यदि छात्र एक विषय में भी फेल है तो अनुत्तीर्ण है, और यदि छात्र सभी विषयों में भी अनुत्तीर्ण है तो भी अनुत्तीर्ण माना जाएगा। ऐसे छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, और संचालन करने के उपरांत छात्र जिस विषय में अनुत्तीर्ण है उस विषय की परीक्षा ली जाएगी, और परीक्षा लेने के उपरांत यदि छात्र उत्तीर्ण हो जाता है तब इन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। ये थी कक्षा 5 व 8 के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में। आपके सहयोग और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।